हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। मेरा नाम है निधि और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका अगर बच्चा छोटा है तो आप कैसे उसके बालों को कोम कर सकते हैं, सही तरीका क्या है, किस तरह की कोम लेनी चाहिए और साथ में ही बेबी जब न्यू बॉर्न होता है तब से ही उनके नेल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं तो उनकी नेल्स को काटना भी साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप कौन सी नेल ग्रूमिंग किट ले सकते हैं वो देखते हैं आज के वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास है लव लैब के 2 प्रोडक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं बेबीज़ के लिए या स्मॉल छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे मेरे पास है ब्रश और कोम सेट और ये है नेल ग्रूमिंग सेट। सो डिटेल में इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं आज के वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे पास है लव लैब का कोम एंड ब्रश सेट। ये जो ब्रश है विद नेचुरल ब्रिसल्स के साथ है, BPA फ्री मटेरियल से बना है और ये इसके जो ग्रिप हैं इस तरह से डिज़ाइन है कि आप इजीली इसको ग्रिप कर सकें, साथ में ये काफ़ी जेंटल है ऑन बेबी स्कैल्प। नाउ अगर हम कोम को देखें तो उनके राउंड टीथ एंड्स हैं जो कि बेबी के स्कैल्प पे कोई भी स्क्रैच ना आए उसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि बेबी के स्कैल्प बहुत सॉफ्ट होती है और टीथ के बिटवीन काफ़ी स्पेस है जो कि जेंटली कोमिंग अलाउ करता है और जिससे बेबी के बाल पुल भी नहीं होते हैं। और साथ में इनकी ग्रिप और हैंडल काफ़ी अच्छी है जिससे कि ईजिली ग्रिप कर सकें। ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर्स के साथ आते हैं, ब्रश है, ब्रिसल्स हैं उसके बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल ब्रिसल्स हैं जिसे इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन और साथ में ही बेबी के हेयर ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट आती है। बच्चों की स्कैल्प और हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, हेयर भी बहुत ही सॉफ्ट और कमज़ोर होते हैं, फाइन होते हैं, तो उनके लिए आप इस तरह के कोम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्यू टिप्स मैं बताना चाहती हूँ कि बेबी के हेयर को करेक्टली किस तरह से कोम करना चाहिए। सबसे पहले तो गीले बालों पे उनके कोम ना करें, जब वो एयर ड्राई हो जाए, पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद ही कोम करें। जब बेबी छोटे होते हैं तो उनके बाल बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और लंबे होने लगते हैं तो उलझने भी शुरू हो जाते हैं, तो आप उस टाइम पे बेबी सीरम यूज़ कर सकते हैं, बेबी हेयर सीरम, उससे आप बालों को लगा के देन सुलझा सकते हैं। बेबी के हेयर में जब आप पोनीटेल बना रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइट पोनीटेल ना बनाएं, उसको हल्का सा लूज रखें कि जो बेबी के जो स्कैल्प एरिया है वहाँ पे स्ट्रेस ना आए। साथ में ही जब आप रबर बैंड यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट क्लॉथ मटेरियल का या फिर थ्रेड मटेरियल का होना चाहिए, ना कि कोई प्लास्टिक का। प्लास्टिक जो रबर बैंड होते हैं उससे बेबी के हेयर काफ़ी उलझना का डर होता है और टूटने का डर होता है। साथ में ही अडल्ट कोम बिल्कुल भी ना यूज़ करें, एक तो ये हाइजीन के लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए हाइजीनिक है और साथ में ही उनके बेबी के स्कैल्प और हेयर के लिए भी अच्छा है। बेबी के अलग कोम डिज़ाइन किए जाते हैं सो दैट कि उनके जो स्कैल्प पे जो कोम है हार्श ना हो और साथ में ही बेबी के जो सॉफ्ट फाइन पतले बाल हैं वो इजीली कोम हो जाए। नेक्स्ट ये कि बेबी के बालों को आप एवरीडे कोम करें सो दैट कि वो उलझे ना और टूटे ना। न्यू बॉर्न होता है तभी से उनके नेल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और हमें उनके नेल्स टाइम टू टाइम काटने पड़ते हैं। बेबीज़ के लिए अलग से नेल कटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो उनकी छोटी नेल्स को आसानी से काट सकें और वहाँ तक पहुँच सकें। तो अब हम इस बेबी के नेल ग्रूमिंग किट के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। ये किट जो है ये 0 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए है। तो यहाँ पे मेरे पास है लव लैब का बेबी नेल ग्रूमिंग सेट, इसमें 4 चीज़ें हैं जिसको आप आसानी से 0 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास है नेल सीजर, ये इजी ग्रिप हाई क्वालिटी नेल सीजर है बेबीज़ के लिए। बेबी के नेल्स बहुत छोटे फाइन होते हैं तो उसको काटने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ही जब आप एक्स्ट्रा स्किन निकलने लगती है फिंगर्स के आसपास उससे भी कट कर सकते हैं। इसके साथ एक कवर आता है जिसे आप कवर करके रख सकते हैं फॉर सेफ्टी के लिए। देन ये एक ट्वीज़र है, ये जो ट्वीज़र है ये काफ़ी ऊपर प्लास्टिक कवरिंग है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है बेबी के लिए। आप इसे बेबी की नोज़ को क्लीन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सो दैट कि बेबी कैन ईजिली ब्रीथ। और नेक्स्ट मेरे पास नेल कटर, ये नेल क्लिपर है जो कि परफेक्टली फिट करता है बेबी के नेल्स पे एंड कोई भी इंजरी ना हो, सो इससे आप बेबी के नेल्स काट सकते हैं। देन लास्ट में मेरे पास है नेल फाइलर, आप नेल्स को कट करने के बाद इससे फाइल कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये फाइलर है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है बेबीज़ के लिए और आप इससे बेबी के जो नेल्स आप चिप ऑफ हो रहे हैं या फिर टूट गए हैं बीच से उनको फाइल कर सकते हैं और नेल्स की एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। सो अगर आप ये
दोनों ही प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं अपने बेबी के लिए या लेना चाहते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट पे जा सकते हैं और खरीद सकते हैं। अदरवाइज ये lovelap.com पे भी अवेलेबल है और ये Amazon पे भी अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। फॉर मोर सच वीडियोस आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे और मैं मिलती हूँ और भी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट वीडियोज के साथ। तब तक लेते हैं एवरीवन एंड बाय, सी यू ऑल।